चंपावत जनपद के जिला SOG एवं टनकपुर पुलिस की संयुक्त टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। क्षेत्र में लंबे समय से चरस की तस्करी कर रहे तस्कर को 4 किलो चरस व 2 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी पूर्व में भी चरस तस्करी के आरोप में जेल की सजा भुगत चुका है। आरोपी नेपाल से चरस लाकर स्थानीय स्तर पर उसको बेचता था। चरस की इस बड़ी बरामदगी करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक के द्वारा निजी तौर पर 2500 रुपए का इनाम दिया गया है। देखिए, आज हमारे जो CEO ऑपरेशन है, कल रात को उनके नेतृत्व में ये एक कार्रवाई की गई, जिसमें एक दुकान है जहाँ से बार बार शिकायत आ रही थी कि ये कुछ अवैध नशीली चीज़ों का कारोबार करता है, तो उसमें छापा मारा गया। तो जहाँ पर जो मुलजिम है वो तो पुलिस को देखकर तुरंत फरार हो गया था, तो दुकान से करीब 4 kg चरस और 2 पेटी शराब बरामद हुई है। और मुलजिम को भी जब भाग गया उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल मुलजिम को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। चूँकि ये 4 किलो चरस काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पकड़ी गई है, तो हमने जब इसमें डिटेल इंक्वायरी की तो ये बात सामने आई कि ये जो चरस है वो नेपाल के रास्ते से इंडिया में, भारत में स्मगल करके लाई गई थी और यहाँ उसको खपाने की उनकी तैयारी थी। तो चूँकि ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई, जिसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा इसमें जो पूरी टीम को 2500 रुपये के नाम की, इसमें एक अभियुक्त है जो मेन जो दुकान का ओनर है, जो ये काम धंधे में लिप्त था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए चंपावत से संदीप कुमार की रिपोर्ट।